हेलो दोस्तों नमस्कार क्रिकेट भी सचिन बोरा है फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लेग कटर और ऑफ कटर डालने के कुछ की पॉइंट जो आपके लेग कटर और ऑफ कटर को बहुत ही तगड़ा बना देगा कटर और ऑफ़ कटर के ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया बट वो तरीका और ये तरीका दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअल में जो लेग कटर और ऑफ कटर होता है वो मैं जो पहले बताया था हाथ को बॉल को इस तरह से दो उंगली ऊपर रखना है अंगूठा नीचे रखना है और ऑफ कटर डालने के लिए बॉल को यहाँ से रोल करना है लेग कटर डालने के लिए यहाँ से इधर को रोल करना है बट ये लेदर बॉल के लिए काफ़ी सक्सेसफुल है और टेनिस बॉल में क्या होता है मैक्सिमम लोग जो है मैंने भी इसको आजमा के देखा है आजमा के देखने के बाद अभी मैंने आपको बॉल डाल के भी दिखा आपने देखा होगा बहुत ही तगड़ा होता है इससे जो ये पहले जो मैं बता रहा था इससे जो हो रहा था उसमें थोड़ा सा क्या है कम हो रहा था और बॉल उतनी अच्छी टर्न नहीं हो रही थी तो ये जो दूसरा तरीका है ये काफ़ी ज़बरदस्त है बट इसको एक हिसाब से देखा जाए तो इसको लेग कटर या ऑफ कटर नहीं बोलते इसको फास्ट स्पिन बोल सकते हैं और जो लेग कटर है वो जो कैरम बॉल जिसको हम डालते हैं कैरम बॉल की ही तरह आपने इसको रिलीज़ करना है बट इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी अदरवाइज़ क्या होगा कि ये उतनी आपसे डलेगी नहीं इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले जो आप ऑफ स्पिन करते हैं ना सेम बिल्कुल ऑफ़ स्पिन की तरह इसका ग्रिप पकड़ना है बिल्कुल ही ऑफ स्पिन की तरह और अंगूठा यहां यहाँ और इसमें क्या होता है कि बॉलिंग का एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है जब अगर आप बॉलिंग का एक्शन स्लो कर देंगे तो और पहले से ही बल्लेबाज को अगर आपको इस तरह की ग्रिप पकड़े हुए अगर आप आएंगे तो बल्लेबाज को पता लग जाएगा कि ये कटर ही डालने वाला है सबसे मोस्ट गलती यही होती है जिसकी वजह से वो रेडी रहता है कटर खेलने के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो की पॉइंट है मैं बता रहा हूँ इसको आपने दिखाना नहीं उसको इस तरह से आना बॉल को पकड़ते हुए इसको आपने आदत में शामिल करना पड़ेगा आपको किस तरह से आप खेलते खेलते आए और सडनली आपने उंगली को चेंज कर दिया यहाँ से यहाँ से ये पकड़ा आपने देखो ये पकड़ा ये चलते चलते आपने ये कर देना है और उसके बाद यहाँ से इसके लिए काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी अदरवाइज़ आपका क्या होगा यहाँ से ये एकदम से ये उंगली जाएगी नहीं आप पहले से दिखा के लाओगे तो वो समझ जाएगा इसलिए आपने पहले से ये ग्रिप पकड़ के लाना है इस तरह से आना है और जैसे आप बॉल ऊपर करते हैं वैसे ही बॉल ऊपर करते करते इस उंगली को नीचे कर देना है उसके बाद आपने बॉल डालनी है अब इसमें क्या होता है मोस्टली जो बॉलर गलती करता है जितनी स्पीड से बॉलिंग आप तेज़ बॉलिंग करते उतनी स्पीड से कटर डालने की कोशिश करता है जिसकी वजह से बॉल टर्न नहीं होती किसी की भी नहीं होगी थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन जितना आपको चाहिए उतना टर्न नहीं होगा इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बॉल को काफ़ी स्लो डालना है स्लो डाल के काफ़ी घुमा के डालना है बॉल को अगर आप घुमा के नहीं डालेंगे उसी स्पीड से बॉल घुमाने की कोशिश करेंगे तो बॉल उतना टर्न नहीं होगा आपका सेम लेग कटर का है लेग कटर में बिल्कुल इस तरह से ग्रिप करनी है उसके लिए मैंने बता दिया स्पिन बॉल की तरह ये ग्रिप करनी है बिल्कुल इस तरह से रिलीज़ करना आपने इस तरह से टेढ़ा रिलीज़ करना और ऐसे सीधा नहीं ऐसे ऐसे करके रिलीज़ करोगे तो बॉल बिल्कुल स्पिन हो गया जाएगा अंदर को इस तरह से आप में ये इस एंगल में तिरछे वाले एंगल में ऐसे एंगल में इस एंगल में ऐसे करना है रिलीज और लेग कटर के लिए बिल्कुल ये उंगली ये करना है देखिए लेग कटर के लिए बिल्कुल जैसे आप ऑफ स्पिन में करें ना सेम करना है ये अंगूठे का भी काफ़ी रोल है इसमें इस अंगूठे इस से इधर को धक्का मारना है इस तरह से जैसे हम कैरम बॉल में करते हैं और इस उंगली से दोनों उंगली से ऐसे नचाना है बॉल को ये ऐसे समझ ले ऐसे करना है ये अंगूठा और ये तीनों का तीनों का एक दो तीन ये तीनों का ऐसे मिलाप होना चाहिए इस तरह से और जब आप बॉल डालते हैं बॉल डालते समय इस तरह से गिराना है इस तरह से अगर आप ये इस तरह से अगर आप बॉलिंग डालेंगे तो बहुत बढ़िया कटर डलेगा आपने देख लिया होगा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेंथ लेंथ हमेशा ही गुड लेंथ में कोशिश करिए और फुल लेंथ में भी चलेगा क्योंकि बल्लेबाज फुल लेंथ को छक्के ही मारने की कोशिश करता है स्पेशली टेनिस बॉल में तो छक्के मारने की कोशिश करेगा तो बॉल उसका हल्का सा हल्का सा भी आपका लेग कटर यार ऑफ कटर चला गया तो उसके साइड एज में पक्का लगेगा और कैच उठेगा तो ये थे जो लेग कटर और ऑफ कटर डालने के सबसे तगड़ा तरीका बाकी पुराने वाले तरीके से भी बहुत अच्छी जाती है कटर लेकिन इससे बढ़िया नहीं जाती मैंने ये देखा ये समझ लीजिए ये स्पिन ही है इसको कटर नहीं बोला जा सकता बट क्या है टेनिस बॉल में इसको भी कटर ही बोलते हैं इसको भी कटरी है, कटर ही बोलते हैं लेग कटर ऑफ कटर दोनों को बोलते हैं बिल्कुल समझ लिया ऑफ स्पिन जो आप डालते हैं उसको फास्ट स्पिन की तरह डालिए बहुत तगड़ा स्पिन होके जाता है बट आपने उस समय बॉलिंग की स्पीड कम करनी पड़ेगी और जब आप बॉलिंग देते हैं बॉलिंग का जो रनअप है स्लो मत करिए आप जितनी स्पीड से आप बॉलिंग डालते हैं उसी स्पीड से आप इसमें भी आएंगे बॉलिंग में भी और इसी स्पीड से ऊपर उठने के बाद लास्ट मोमेंट में ही आपने हाथ को फेरना है हाथ को घुमाना है तब जाके आपका बैट्समैन को भी डाउट होगा कि ये कौन सी बॉल डाला उसको पता नहीं चलेगा पहले से अगर ऐसे करके बिल्कुल स्पिन की तरह आएंगे तो उसको समझ जाएगा और उसी हिसाब से वो रेडी रहेगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू धन्यवाद